हेलो बच्चों लेट अस बच्चे द क्वेश्चन फर्स्ट चूज दी इन करेक्ट मैच में बताना इनमें से कौन सा इन करेक्टली मैच किया गया एल्कल ब्लूम इन स्लो ब्लाइंडनेस विद यू वी तो यहाँ पे मेन की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा ओजोन का ओजोन लेयर का अच्छा अब इसमें हम देखेंगे ओजोन होती क्या है ओजोन का हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ ओर थ्री होता है इसका फॉर्मूला होता है इसका फंक्शन क्या होता है हमें प्रोटेक्ट करती करती है, करती है फ्रॉम यूवी यूवी रेज, रेडिएशन से हमारी प्रोटेक्शन करती है प्रेजेंट कहाँ पर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है स्ट्राटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर। अब बात आती है जो सबसे पहला बोला गया है कि डॉपशन यूनिट देखो ओजोन की जो थिकनेस है ग्राउंड से लेकर कर, जो टॉप होता है यानी स्टेटोसफेयर में अगर इसकी जो थिकनेस हमें नापनी है अगर वो नापनी होती है तो उसकी वैल्यू किसमें आती है वो आती है हमेशा डॉपसन में तो डॉपसन जो होती है वो इसकी यूनिट होती है थिकनेस नापने की यूनिट होती है तो पहला तो करेक्टली मैच है सेकेंड में बोला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन के डिप्लीशन के रिगार्डिंग जो है बुलाई गई थी कैनेडा में हुई थी ये कैनेडा में इन 1987 कनाडा में हुई थी और इसमें मेन बात बोली गई थी कि जो भी ओजोन डिप्लीशन वाले जो भी ऐसे कॉम्पोनेंट हैं जो कि ओजोन डिप्लेशन में ओजोन को डिप्लीट करने में हेल्प करते हैं ऐसे जो भी कंपोनेंट है जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं इन कंपोनेंट्स के एमिशन को हमें कम करना है एमिशन को हमें रिड्यूस करना है जिनमें से एक जो मेजर था वो कंपोनेंट वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो एम फॉर रिड्यूसिंग सी सी को यहाँ पे करेक्टली जो है मैच किया गया है थर्ड है टेरर ऑफ बंगाल टेरर ऑफ बंगाल को यहाँ पर एलगल ब्लूम से मैच किया गया विच इज इन ग्रेके से तो टेरर ऑफ बंगाल जो है ये एक प्लांट को बोला जाता है जिसका नाम है वाटर हायसेंट वाटर, वाटर हाईसेंट इसका साइंटिफिक नेम है Acornia, Acornia इसका है इसका साइंटिफिक नेम हुआ क्या था है कि इसको बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था इनके सुंदर फूलों की वजह से बट हुआ क्या कि इसने धीरे धीरे करके जितना ऑक्सीजन जो था वाटर के अंदर प्रेजेंट था वो सारा ऑक्सीजन जो है इसने डिप्लीट कर दिया बहुत जल्दी जल्दी जो है ये एक वीड की तरह फैलता गया वीड की तरह इसने फंक्शन किया वाटर के अंदर और ऑक्सीजन का वाटर जब इसने डिप्लीट कर दिया तो वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ थी ना उसकी भी डेथ हो गई लाइफ की भी डेथ हो गई जो ओरिजिनल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे उनके धीरे धीरे करके डेथ होने लग गए इसलिए इसको टैर ऑफ बंगाल बोला गया क्योंकि इससे पहले कि हम इनको हटाते उससे पहले तो रिप्रोड्यूस करके बहुत ज्यादा डीप जो था ना फैल जाता था इसलिए इसको टैर ऑफ बंगाल बोला गया तो ये इनकरेक्टली मैच है एंड लास्ट यहां पर आया है फोर्थ स्नो ब्लाइंडनेस तो स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है स्नो ब्लाइंडनेस होता है बिकॉज